हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी भाई विश्वकर्मा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आप लोगों का मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आप लोगों को 180 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से पेपर वन में हिंदी प्रवीणता से 30 क्वेश्चन आए थे और उसका मैंने आप लोग के सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और आप इस वीडियो को देखकर आप अपना देख सकते हैं कि आपने 30 में से कितना सही है, आपका उत्तर मिला ले, अपना उत्तर कितना है सही, ताकि आप 48,000 मिल सकता है या नहीं, तो आप अपना उत्तर स्वयं इसमें से मिला ले। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए, आपका हिंदी प्रवीणता से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ये पेपर वन का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, अर्थात आपको अच्छी ढंग से अनुच्छेद को पढ़ना है, उसी के अनुसार आप लोग को उत्तर देना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार देना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है धन के कितने उपयोग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोग, दान और नाश। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जबकि धन के भोग में कैसा आनंद मिलता है, तो इसका होता है क्षणिक आनंद मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भोग किसे कहते हैं, विलाप, विलाप में धन का व्यय करने को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है धन का सदुपयोग क्या है, दान करना। इसके बाद अगला कह रहा है धन का नाश कब अवश्यभावी होता है, जब न तो धन का भोग हो और न दान, जिसके कारण हो जाता है। इसके बाद कह रहा है हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थिक शब्द होता है और समानार्थिक शब्द को दूसरे शब्दों में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इसीलिए राइट आंसर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो एक दूसरे को विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विपरीत विपरार्थिक शब्द और उसी विपरार्थिक शब्द को विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द भी कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ कह रहा है भानु उदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात भानु उदय शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ भानु प्लस उदय अर्थात उ और उ मिलकर उ हो जाता है, अर्थात इस तरह से हो जाते हैं। इसके बाद कह रहा है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद किए, तो महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसवें हमारा कह रहा है परि प्लस आवरण की संधि हो गया, अर्थात उसको मिलाने पर क्या बन जाएगा, पर्यावरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सदा प्लस एव की संधि करेंगे, तो सदैव ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, अर्थात जब विसर्ग का जिसे निह तो अंत में हमको ह आता है, इसीलिए ह की भांति होती है। इसके बाद कह रहा है भारतीय शब्द का सही वर्ण विक्षेपण कीजिए, अर्थात तो वर्ण विक्षेपण मतलब वर्णों में तोड़ना है, टुकड़े एकदम मैंने टुकड़े कर देना है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भ प्लस आ प्लस र आधा र प्लस अ प्लस आधा त प्लस दीर्घय प्लस या प्लस आ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोना, तो सोना शब्द कौन सा लिंग है, यह पुलिंग है, इसका राइट आंसर पुलिंग हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। से विभक्ति चिन्हित है कर्ण से और अधिकरण से, इसीलिए राइट आंसर कर्ण और अधिकरण दोनों हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो ईश्वर को मानता हो के लिए क्या एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक, आस्तिक
को कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यह कर रहा है, जिसका अंत न हो अनंत, जिसका अंत न हो अनंत कहा जाता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी है। वर्तनी मतलब सही बोलना चाहिए, बोला जाता है, अर्थात उसका उच्चारण सही से कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला सन्यासी, निम्नलिखित में से इसका, तो इसका भी राइट आंसर, अस्सी का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से विस्मयादी चिन्ह, तो देखिए यहाँ पर विस्मयादी चिन्ह इस तरह से होता है, इसीलिए राइट आंसर दो हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, इसीलिए राइट आंसर 82 के दो हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मुहावरा है, तो मुहावरा बताया गया अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा का क्या अर्थ है, अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा का क्या अर्थ है, तो दुखों को और दुख देना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक अनार सौ बीमार लौकिक का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वस्तु कम चाहने वाला ज्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर वॉइस बराबर लोकप्रियता होता है, अर्थात जो अनपढ़ होते हैं उसको काला अक्षर वॉइस बराबर नजर आता है, इसीलिए अनपढ़ को कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, अर्थात इसमें आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौथा हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राइट आंसर चार हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो यहाँ पर दूसरा का आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ दो केवल गलत हो जा रहा है, तो यहाँ केवल दो पुस्तक है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अन्याय के विरुद्ध हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आवाज़ उठाना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, अधकल गगरी छलकत जात, इसमें राइट आंसर हो जाएगा गगरी। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, फिर नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।